तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हार्ट एक्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो उस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे वन काइंड ऑफ टर्शियरी मेमोरी, द मैग्नेटिक टेप, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोर एंड बबल मेमोरी। तो आसान है इसका डिस्कशन, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। तो एक तरह से हार्ड डिस्क भी हमारी मैग्नेटिक मेमोरी कैटेगरी में आती है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी का कैटेगराइजेशन करते हैं तो हार्ड डिस्क इज द सेकेंडरी मेमोरी, बट मेनली यूज nowadays for storing permanent programs and data। और बाकी जो मैग्नेटिक मेमोरीज हैं वो है हमारी मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कोर मेमोरी एंड बबल मेमोरी। जो लास्ट वाली दो है, कोर और बबल मेमोरी, दे वेयर द मेमोरी एक्चुअली बिफोर द रैंडम एक्सेस मेमोरी वॉज देयर। सबसे पहले ये IBM ने बनाई थी इसको, कोर मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, बट दैट इज कम्प्लीटली ऑब्सोलीट सिंस ए लॉन्ग टाइम। तो मैग्नेटिक टेप ये कुछ नया नहीं है, इसमें जो टेप तुमने देखे हैं, ऑडियो कैसेट देखा है सभी ने, ठीक है। तुम लोगों ने भले ही देखा हो जब छोटी छोटी बचपन में रहे होंगे, लेकिन अब आफ्टर फ्यू ईयर्स nobody will be able to see the magnetic audio tape. Similarly, you have seen the video tape also. Video tape भी देखा होगा सभी ने, वो थोड़ा सा बड़ी कैसेट होती है और उसमें थोड़ा थिक और ब्रॉड साइज का टेप होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप जो यहाँ स्टोरेज के लिए यूज होता है कंप्यूटर के सेंस में, वो मैग्नेटिक ड्राइव में फिक्स हो सकता है। तो ये उसी तरह का टेप है हमारा, वट एवर यू हैव सीन। तो प्लास्टिक टेप होता है जिसमें मैग्नेटिक कोटिंग होती है, और रील के फॉर्म में होता है जो कि कार्ट्रेज या कैसेट, जैसे ऑडियो वीडियो में होती है ऐसे यहां भी होती है, वो कार्ट्रेज या कैसेट। तो वो कार्टेज या कैसेट क्या है कि उसके लिए ड्राइव होती है, जैसे सीडी है तो सीडी ड्राइव है, फ्लॉपी है तो फ्लॉपी ड्राइव है। तो इसी तरह उसकी भी कार्टेज होती है जिसमें वो फिक्स हो जाती है, एंड कंप्यूटर कैन रीड द डेटा, रीड एंड राइट बोथ। तो वो हमारे ड्यूरेबल मीडियम होते हैं जिनमें राइट भी किया जा सकता है, रीड भी किया जा सकता है, और दोबारा से भी राइट किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, ट्रैक्स और फ्रेम होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में हम बोलते हैं ना ट्रैक्स, तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इसमें ट्रैक हमारे मतलब कि लेंथ के हिसाब से होते हैं, जो लेंथ है टेप की उसमें कंप्लीटली एक ट्रैक होता है, और कुछ कुछ दूरी पे लॉजिकली फ्रेम के फॉर्म में डिवाइड होता है, ठीक है। तो फ्रेम क्या है कि एक बाइट डेटा स्टोर करता है, और ट्रैक वन बिट, मतलब ट्रैक तो ठीक है सीधे है लंबा, जैसे सपोज करो ये है, तो इसमें अगर देखो तुम ट्रैक और फ्रेम बने हुए हैं कि ये लंबाई में बने हैं ट्रैक ऐसे, और फिर इसका डिवीजन है, तो इसको मान लो एक फ्रेम। तो जो फ्रेम है वो एक बाइट डेटा स्टोर करता है, फ्रेम का मतलब वो कंप्लीट जो चौड़ाई है टेप की उसमें कई ट्रैक आ गए, जैसे फ्रेम ऐसे डिवाइड किया तो ट्रैक कई आ गए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आठ ट्रैक माने जाते हैं जो उसकी लंबाई है, तो आठ ट्रैक हो गए और वो फ्रेम फ्रेम डिवाइड है, तो वो वन बाइट हो गया टोटल। इस तरह का स्टोरेज होता है, और जो ये डेटा स्टोर होता है वो रिकॉर्ड के फॉर्म में होता है, ब्लॉक। तो हर एक ब्लॉक जो है कुछ फ्रेम्स से मिलके बना होता है, ब्लॉक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम जिसमें एक रिकॉर्ड होता है, और एक रिकॉर्ड के बाद कुछ गैप होता है टेप पर, जो कि टेप ड्राइव को स्टॉप
करने के काम आता है कि यहाँ पे रिकॉर्ड को रीड करने के बाद मतलब एंड ऑफ रिकॉर्ड मार्किंग की तरह काम आता है। और ये दो साइज में आता है 1/4 inch एंड 1/2 inch, ठीक है, जो 1 inch की चौड़ाई होती है उतनी चौड़ा टेप होता है और दूसरा उससे आधा होता है। तो ब्लॉक एंड रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ब्लॉक तो बेसिकली ग्रुप ऑफ डेटा है, और यहाँ पर अगर ब्लॉक की हम बात करें तो ब्लॉक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम्स। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक रीडिंग होती है डेटा की, और दो ब्लॉक के बीच में थोड़ा सा गैप होता है जिसमें टेप को टाइम मिल जाता है कि उसमें स्टॉप करना है या स्टार्ट करना है रिकॉर्ड के बीच में। तो टेप ड्राइव जो होती है वो एक तरह से उसमें क्या है, रील होती है और रीड राइट हेड होता है, और कंप्लीट जो ड्राइव है वो कैसेट के फॉर्म में एनक्लोज होती है। इसके ऑपरेशंस वही है हमारे, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन जैसे हर एक में होते हैं, और नया तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसका जो बेसिक ऑपरेशन है वो हमारा डिस्क ड्राइव यानी हार्ड डिस्क से थोड़ा सा डिफर करता है, ठीक है। तो टेप ड्राइव क्या है, एक्चुअली अपेंड ओनली डिवाइस है, जहां तक उसमें राइट हो गया इंफॉर्मेशन तो उसके आगे ही राइट होगा, और आगे राइट करने के लिए हेड को स्टार्टिंग से या जहां भी है वो एंड तक पहुंचना पड़ेगा, तब वहां से राइट होगा। तो एंड ऑफ टेप मार्क भी होता है जहां टेप खत्म होता है, ठीक है। ऑपरेशन उसमें रीड राइट ऑपरेशन होते हैं। रीड ऑपरेशन में क्या होता है, लॉजिकल जो ब्लॉक है उसका नंबर रिटर्न करता है वो ड्राइव टू द कंप्यूटर। अब इसमें क्या है कि दो टर्म यूज होते हैं, स्टैकर एंड सिलो। अब इसमें जो ये इंस्टॉलेशन है यानी टेप ड्राइव का यूज है वो एक मशीन या एक तरह से हम कह सकते हैं कि रोबोटिक्स चेंजर यूज होता है कि एक कैसेट को फिक्स करना फिर उसको निकाल के रखना, क्योंकि बिग ऑर्गेनाइजेशन में क्या है डेटा बहुत ज्यादा होता है, तो ये डिफरेंट टेप्स और ये सब होते हैं वो रोबोटिक्स के फॉर्म में उसको यूज करते हैं। तो स्टैकर यूज होता है जिसमें थोड़े से टेप होते हैं, मतलब एक तरह से नाम है और कोई इसमें स्टैंडर्ड नहीं है। और सिलो हम टर्म उसको बोल देते हैं जो लाइब्रेरी जिसमें थाउजेंड्स ऑफ टेप, उसको सिलो बोलते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत आसान है समझने के लिए कि एक्सेस टाइम इसका सबसे ज्यादा होता है, इसमें रैंडम एक्सेस कुछ नहीं होता है, सब कुछ सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, सीक्वेंशियली ही डेटा एक्सेस होगा। स्टोरेज कैपेसिटी हाईएस्ट होती है, और डेटा ट्रांसफर रेट है वो हमारा लगभग अप टू 10 MB/s होता है। इसकी कॉस्ट अगर हम देखें, कॉस्ट फॉर स्टोरिंग पर बिट ऑफ डेटा, तो वो मिनिमम है। एक्सेस टाइम लार्ज होता है ऑब्वियसली, मतलब ज्यादा होता है, और ये हायरकी मालूम ही है तुम लोगों को कि रजिस्टर से लेके टर्सरी मेमोरी यानी मैग्नेटिक टेप तक इसकी सबसे कम स्पीड होती है। लेकिन हाँ, ये सीक्वेंशियल एक्सेस होता है इसमें कि अगर डेटा कहीं आगे रीड करना है तो वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो ऐसे डेटा जो फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहे हैं, जो जिनको हम तुरंत अपडेट कर दे रहे हैं या बार बार अपडेट हो रहे हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं। ये सूटेबल है कि जिसमें परमानेंटली डेटा स्टोर करना है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, या बैकअप स्टोरेज के लिए जो डेटा कभी कभी यूज होना है, या लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, बहुत बिग डेटा यानी ज्यादा से ज्यादा डेटा उसमें स्टोर करना है परमानेंट स्टोरेज के लिए। अगर करेंटली बारी बारी से यानी फ्रीक्वेंटली उसको रीड राइट करना है तो इट्स नॉट सूटेबल बिकॉज ऑफ इट्स सीक्वेंशियल एक्सेस। रैंडम एक्सेस इसमें कुछ नहीं होता है।
स्टोरेज कैपेसिटी हाई होती है, ये टेराबाइट से लेके पेटाबाइट तक स्टोर करता है। एक टेराबाइट अगर हम देखें तो इट विल बी 10^12 बाइट्स, या दूसरा सेंस में अगर हम कहें कि 2^40 बाइट, और पेटाबाइट होता है 10^15 बाइट्स या 2^50 बाइट्स। अब इसमें क्या है कि जो रील है, टेप है, वो तो हमारा सस्ता है, बट जो ड्राइव यूज होती है वो एक्सपेंसिव है। जिस ड्राइव में वो फिक्स होगा, टेप, कैसेट, सो दैट इज एक्सपेंसिव। वैसे ये चीपेस्ट स्टोरेज मीडियम है, तो ड्राइव तो एक ही लगनी है, टेप कैसेट चाहे जितनी हो, सीडी हमारे पास चाहे जितनी हो, बट ड्राइव तो एक ही यूज होगी। उनको हम कार्टेज ही बोलते हैं जो कैसेट है। और ये ड्राइव से रिमूव कर सकते हैं और फिक्स कर सकते हैं जब भी डेटा को रीड्राइट कराना हो। इसका यूज बहुत ऑब्वियस है, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि लार्ज डेटा राइट करना है, बिग फाइल्स, बिग डेटा, परमानेंट स्टोरेज, इन सब के लिए यूज होता है। मेनली बैकअप के लिए यूज होता है, जहां सपोज करो हार्ड डिस्क फेल हो गई किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पे बैकअप डेटा इसी से रीड किया जाएगा, और बैकअप के लिए यूज होता है तो हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। एज आई टोल्ड प्रीवियसली कि इसको हम ऑफलाइन मीडियम भी बोलते हैं। स्लो होता ही है, तो ये जनरली वहां पे यूज किया जाता है जहां स्पीड हमारा प्राइमरी कंसर्न नहीं, मतलब आराम से धीरे धीरे डेटा राइट हो या रीड हो, बट बैकअप जब भी जरूरत हो तो बैकअप के फॉर्म पे हम इसको यूज कर सकें। तो ये था हमारा मैग्नेटिक टेप। अब है मैग्नेटिक कोर मेमोरी। तो ये क्या है कि रैम के पहले यूज होने वाली मेमोरी है, जिसको MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT US की, जो US का वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट है MIT, ठीक है, वहां से कोई अगर डिग्री करे हो तो वो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है MIT मैसाचुसेट्स, जिसको MIT ने 1951 में डिजाइन मतलब डेवलप किया था। तो ये मैग्नेटिक टोराइड्स या रिंग के फॉर्म में था, जिसको कोर बोलते थे, और जिसमें क्या है कि तार हमारे लपेटे जाते थे उस कोर में, और उन तार के थ्रू इंफॉर्मेशन रीड या राइट होता था, मैग्नेटिक कोर। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी रैम वगैरह के पहले यूज होती थी ये। हाँ हाँ बाबू, हाँ, जी सर, जी, तो फिर वो रिकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है कि जैसे जो कोर में रीड करते हैं, कोर से तो रीड करते हैं, तो वो क्या है कि वो डेटा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो बात नहीं, जब भी डेटा रीड होगा तो इसको बैकअप करके रखना होता है, रीड करना है तो एक बैकअप, तो इसको बोलते हैं साइकिल टाइम, कि कोई इंफॉर्मेशन अगर रीड होना है तो वो बैकअप उसका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकती है। फिजिक्स को पढ़ा भी है तुमने कि मैग्नेटाइजेशन दो डायरेक्शन में हो सकता है। तो जो कोर है उसमें जो वायर की वो थ्रेडिंग की जाती है, तो वो अगर क्लॉकवाइज मैग्नेटाइजेशन है तो वो जीरो की तरह वर्क करता था,
और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो वन की तरह रीड करता था। तो हर एक कोर वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो मैंने बताया कि अगर रीडिंग करेंगे तो कोर क्या है, रीसेट हो जाएगी जीरो पर, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव रीड आउट, जिसके लिए हमें इसकी बैकअप कॉपी रखनी पड़ती थी। तो इस पे फिर मैं आता हूं डिस्ट्रक्टिव रीड आउट पे। और कोर मेमोरी के फीचर, ये सबसे खास बात इसमें थी कि नॉन वोलेटाइल था, रैम की तरह वोलेटाइल नहीं था। बस ये है कि एक बार रीड कर लो तो इन्फॉर्मेशन फिनिश, ये था। और इन्फॉर्मेशन जब ये वोलेटाइल नहीं था, मतलब नॉन वोलेटाइल था, तो इन्फॉर्मेशन इसमें परमानेंटली स्टोर रहती थी, लेकिन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती थी इसमें। अल्ट्रावायलेट लाइट से अनफेक्टेड रहता था। लेकिन अगर इसमें कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या है कि इट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। ये मान के चलो अंग्रेजों के जमाने के आसपास की बात है, जब स्वतंत्र हुए थे उस टाइम, जो मैं मेरी 1950s के रहा हूं। तो रीड ऑपरेशन में मैंने जैसे बताया कि इसमें साइकिल टाइम हमारा ज्यादा होता था एक्सेस टाइम के करेस्पॉन्डिंग। एक्सेस टाइम तो ये थोड़ी देर में रीड हो जाएगी, बट रीड होने के बाद वो फिनिश हो जाएगी मेमोरी, तो उसका जो बैकअप रखना पड़ेगा, पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। तो ये जो पहले के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे उनमें इसका यूज होता था। तो इसमें क्या था कि वैल्यू को रीड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजा जाता था वायर के थ्रू, मतलब जो कोर में थ्रेडिंग थी वायर की, उसके थ्रू सिग्नल भेजा जाता था, उसी सिग्नल से रीड होता था। और राइट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो ये पल्स जो है इंफॉर्मेशन को इरेज कर देती थी रीड करने में, इसको डिस्ट्रक्टिव रीड आउट बोलते थे। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए डिजाइनर्स ने क्या किया कि जब कोई रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो उसकी कॉपी, बैकअप कॉपी स्टोर करके रखी जाती थी वो उसी, मतलब उसी मेमोरी में जिस लोकेशन से रीड नहीं कर रहे हैं। और राइट ऑपरेशन में तो राइट ऑपरेशन एज यूजुअल होता था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द मैग्नेटिक कोर मेमोरी। वी आर रिक्वायर ओनली द स्मॉल डिस्कशन रिगार्डिंग इट। तो अब इसके बाद बचा है बबल मेमोरी। तो बबल मेमोरी क्या है कि जैसे नाम से क्लियर है, इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ ए बबल। ये भी नॉन वॉलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी थी जिसमें एक मैग्नेटिक मटेरियल की छोटी बहुत पतली फिल्म यूज होती थी जिसको बबल बोलते थे, और हर एक बबल एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता था। तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेमोरी थी। ठीक, तो ये मैग्नेटिक डोमेन्स बबल्स के फॉर्म में जो स्टोर होती थी, ये माइक्रोवेव एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ठीक है, यूज होती थी। तो ये 1970s के राउंड स्टार्ट हुई थी, बट ये बहुत कॉस्टली थी और परफॉर्मेंस बहुत लो था। तो बिकॉज ऑफ दिस इसका आगे फर्दर इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही। ओके, तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक कोर एंड बबल मेमोरी। ठीक है, तो इसको मैं अभी फिनिश कर देता हूँ।